आगमन धर्म पत्र 2021। ख्रिस्त में प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, जय यीशु। कोरोना वैश्विक महामारी का आतंक एवं उसका दुष्प्रभाव अभी तक दुनिया में जारी है। मानव जाति अभी भी इसकी वेदना से कराह रही है। ऐसी परिस्थिति में वर्ष 2021 का आगमन काल, जिसमें हम मुक्तिदाता ईसा मसीह के जन्मदिवस की तैयारी करते हैं, यह हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। पहला, विश्वास। ईश्वर न केवल हमारा सृष्टिकर्ता, पालन करता एवं उद्धार करता है, बल्कि हमारे बीच निवास करने वाला, जीवन की राह में साथ चलने वाला भरोसेमंद जीवन साथी, सांत्वनादाता एवं सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति है। अतः हम सबों के लिए आगमन काल इंतजार करते हुए उस ईश्वर को अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन में अच्छी तरह स्वागत करने के लिए तैयारी का समय है। दूसरा, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 1। आशा मानव जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आशा ही जीवन है। इसलिए इस कठिन परिस्थिति में हम सबों को आशामय जीवन जीने की आवश्यकता है। हमारे जीवन की हर परिस्थितियों को ईश्वर बदलने की क्षमता रखता है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 11 से 14। अतः हम उस ईश्वर पर आशा और भरोसा रखते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करें और आगे बढ़ें। तीसरा, धैर्य। जीवन की कठिन परिस्थितियों में विचलित होना स्वाभाविक है, किंतु धैर्य एवं दृढ़ता के साथ उन कठिन परिस्थितियों का सामना करना ईश्वर पर विश्वास करने वालों का गुण होने की आवश्यकता है। हमारा ईश्वर मानव जीवन के हर परिस्थितियों पर विजयमान ईश्वर है। ईश्वर के सेवक संत पौलुस ने भी अपने जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 6 वचन संख्याएं 4 और 5। उसने रोम शहर के मसीही भाई बहनों को समझाते हुए बताया, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 4 और 5। चौथा, पश्चाताप एवं क्षमादान। आज मुक्तिदाता
ईसा मसीह चरनी में नहीं बल्कि सृष्टि, मानव हृदय, परिवार, समुदाय, राज्य एवं देशों में जन्म लेने की इच्छा रखता है। वह इन जगहों पर स्थान पाना चाहता है। इन स्थानों में तैयारी के क्रम में सबसे अधिक पश्चाताप एवं क्षमादान की आवश्यकता है। यीशु ने अपने उपदेश में कहा है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 15। आज हमारा मन, हृदय, परिवार, समाज, समुदाय, राज्य, देश एवं मानव जातियों के बीच कुकर्मों की संख्या बढ़ गई है। सच्चे पश्चाताप एवं क्षमादान के द्वारा मुक्तिदाता के लिए जगह तैयार किया जा सकता है, जहां पर वह न केवल जन्म ले बल्कि सदा के लिए भी निवास करे। पांचवा, प्रेम, भाईचारा एवं शांति। नबी ईसाया के ग्रंथ में मुक्तिदाता ईसा मसीह के बारे की गई भविष्यवाणी इस प्रकार है, एक बालक उत्पन्न हुआ है, उसके कंधों पर राज्य अधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्व मंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम कार्य संपन्न होगा। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्याएं 5 और 6। भाइयों और बहनों, इस भविष्यवाणी में की गई बातें तब पूरी हो सकती हैं जब हम उस मुक्तिदाता ईश्वर को अपने मन, दिल, परिवार, समाज, समुदाय में जन्म लेने के लिए जगा देंगे। अतः हम दीनता पूर्वक उसे स्वीकार करें। छठा, हमारे संत पिता फ्रांसिस ने सिनड अर्थात धर्म सभा का वर्ष घोषित किया है, जिसकी अवधि 10 अक्टूबर 2021 से वर्ष 2027 तक है। इस धर्म सभा का विषय वस्तु सिनोडालिटी ऑफ द चर्च अर्थात सहयात्री कलीसिया है। संत पिता फ्रांसिस ने हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति को पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर एक साथ यात्रा के लिए प्रोत्साहन दिया है। जिस तरह त्रित्वमय ईश्वर एक साथ मिलकर मुक्ति कार्य को इस दुनिया में पूरा करता है, उसी तरह हम सभी ख्रिस्तीय एक मन, हृदय और आत्मा से संयुक्त होकर कलीसिया का कार्य, जो वास्तव में पवित्र त्रित्व का कार्य है, उसे जारी रखना है। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया है कि हम इस तरह के जीवन और कार्य शैली को सफल बनाने के लिए अन्य समुदाय के सदस्यों से भी सहयोग लें, उन्हें भी इस सुंदर अभियान एवं पुनीत कार्य में सम्मिलित करें। हमारे संत पिता ने 3 बिंदुओं पर बल दिया है। पहला, कम्युनियन अर्थात बंधुत्व।
ख्रिस्त की कलीसिया के हरेक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति ईश्वर से घनिष्ठ प्रेम संबंध रखते हुए एक दूसरे के साथ भी प्रेम संबंध रखे। इस प्रकार ख्रिस्त का प्रेम जीवित रूप में दूसरों के सामने प्रकट हो सके। दूसरे लोग भी हमारे सुंदर जीवन से प्रेरित होकर वास्तविक बंधुत्व अर्थात भाईचारे का जीवन जी सकें। धनी और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित, वृद्ध और युवा, बीमार और स्वस्थ व्यक्ति और राष्ट्रों के बीच गहरी खाई, भेदभाव और दरार ना रहकर मेल प्रेम, सहायता, सेवा और सामंजस्य का वातावरण तैयार हो सके। इस धरती को जो हम सबों का एक सामूहिक घर है, अच्छी तरह देखभाल करने की जिम्मेदारी हम सबों का है, इसलिए कि इस धरती में जीवन बरकरार रहे। दूसरा, पार्टिसिपेशन अर्थात सहभागिता। कलीसिया में बपतिस्मा प्राप्त हर व्यक्ति उसका जीवित सदस्य है। इसी को तुलनात्मक तरीके से संत पौलुस भी कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 12 से 31 तक में लिखते हैं। जिस प्रकार एक शरीर में अनेक अंग होते हैं, सभी अंगों के कार्य अलग अलग होने पर भी वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही शरीर का निर्माण करते हैं। आज कलीसिया को जीवित और जीवनदायक बनने की आवश्यकता है और इसके लिए सभी सदस्यों को जीवित और क्रियाशील बनने की जरूरत भी है। इसी के साथ साथ सच्ची समझदारी और सहयोग की भावना की भी आवश्यकता है। हम प्रेम और सेवा भावना से प्रेरित होकर एक दूसरे के सुख दुख के जीवन में सहभागी होते हुए जीवन की निरंतरता को बनाए रखें। तीसरा, मिशन। यीशु ख्रिस्त हमारे मुक्तिदाता का मिशन कार्य प्रेम का प्रचार है। सुसमाचार की शिक्षा के माध्यम से वह मानव जाति के सब लोगों तक इसी प्रेम को पहुंचाना चाहता था। कलीसिया ख्रीस्ट के इसी पावन कार्य को जारी रखती है। अतः हम ख्रिस्तियों का कर्तव्य है कि प्रेम के कार्य को सेवा के विभिन्न रूपों में दूसरों तक पहुंचा सके। सभी मसीही भाई बहने प्रेम एवं सेवा कार्य द्वारा ख्रीस्ट के जीवन एवं शिक्षा का उत्कृष्ट उदाहरण दें। इस प्रकार हम मानव जीवन एवं समुदाय के रूप को सुंदर, पवित्र एवं बेहतर बना सकें, जहां पर सच्चा न्याय, प्रेम, शांति और सेवा का कार्य हो और पूरी दुनिया में शांति का वातावरण बने, जिससे कि इस धरती पर मानव जीवन बरकरार रहे। धर्म सभा के आलोक में कलीसिया के हमारे पुरोहित, धर्म समाजी भाई बहन एवं लोक धर्मी अर्थात कैथोलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ और क्रूस वीर के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि धर्म सभा की विषय वस्तु की चर्चा एवं विचार गोष्ठी पल्ली स्तर और इसके विभिन्न यूनिटों में करें।
और विचारों का ठोस और संक्षिप्त लिखित रूप को केंद्रीय अर्थात धर्मप्रांतीय समिति के पास निर्धारित समय पर भेजें। आप सभी को आगमन काल में ख्रीष्ट जयंती की तैयारी के लिए शुभकामनाएं। जय यीशु, खुश जन्म पर्व एवं नौ वर्ष 2022 का मुबारक। ख्रीष्ट में आपका विश्वस्त अति माननीय आनंद जोजो हजारीबाग के धर्माध्यक्ष।